अंदर क्रिमिनल्स को जू में रखा जाता। तो सोचो अगर क्रिमिनल्स को जेल के बजाय जू में रखा जाता तो लोग टिकट लेकर उन्हें देखने आते, सरकार की कितनी आमदनी होती, जेल का सारा खर्चा निकल जाता। जैसे जू में शेर चीतों को अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है, उनके साइन बोर्ड होते हैं, उस पर उनके बारे में लिखा होता है, ऐसे ही हर अपराधी को उसके जुर्म के हिसाब से अलग अलग पिंजरे में रखा जाता और उनके साइन बोर्ड होते हैं और उस पर उनके बारे में लिखा जाता। तो हर आदमी जुर्म करने से पहले एक बार सोचता, कहता रुक जा यार, रहने दे, अगर जुर्म में डाल दिया ना तो बड़ी बेइज्जती होगी, यार लोग रिश्तेदार लोग देखने आएंगे तो कितनी शर्मिंदगी होगी। और वहां एक पिंजरा निर्दोष अपराधियों का भी होता, यानी कि जिन्हें सजा तो मिली है बट वास्तव में उन्होंने कुछ किया नहीं है, हो सकता है ना। हमारी कानून व्यवस्था तो सबूतों और गवाहों के आधार पर सजा देती है ना, सबको पता होता है कि असली मुजरिम कौन है, फिर भी पुरानी फिल्मों में होता था ना कि इनोसेंट हीरो सेठ के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन सेठ का पहले ही खून हो चुका होता है और अंधेरे में वो टकराकर डेड बॉडी पे गिर जाता है और उसका हाथ खून से सने चाकू पर पड़ जाता है। बस उसी समय पुलिस आ जाती है और वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वैसे जानवरों की भी क्या गलती है जो हम उन्हें जू में पिंजरों में रखते हैं, उनका वास्तविक स्थान तो जंगलों में है ना, तो हम फिर क्यों उनकी आजादी छीन लेते हैं। वैसे देखा जाए तो क्रिमिनल्स भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, वो तो हमारे घरों में जन्म लेते हैं नवजात शिशु के रूप में। फिर ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वो हार्डकोर क्रिमिनल बन जाते हैं? शायद समाज में उनके साथ अन्याय होता है और हमारी कानून व्यवस्था उनको न्याय नहीं दिला पाती, इसीलिए तो हमारे समाज में इतने बागी और डाकू बनते रहे हैं। या फिर किसी को उचित रोजगार नहीं मिल पाता होगा तो वो बहकावे में आकर क्रिमिनल बन जाता होगा। जो भी हो उसके लिए एक नवजात शिशु तो जिम्मेदार नहीं हो सकता ना, कुछ तो कमी रही होगी उसके पालन पोषण में, कुछ तो जुल्म हुआ होगा उस पर। सहनशीलता, क्षमा और चुप रहना, ये बस संतों के भाषण में ही अच्छा लगता है, लेकिन जब असल जिंदगी में अन्याय होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है सहनशील बने रहना, क्षमा कर देना। नींबू मुलायम होता है, आसानी से दब जाता है, इसीलिए लोग सब्जी खरीदते समय नींबू को दबा दबा कर देखते हैं। आलू कठोर होता है, उसे तो कोई नहीं दबाता, लेकिन यही नींबू जब सूख जाता है, सड़ जाता है, तो चाकू से भी नहीं कटता। शायद यही दास्तान होती होगी कमजोर और मुलायम लोगों की, शुरू में तो वो विरोध नहीं कर पाते लेकिन जब अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो वो हार्डकोर बन जाते हैं। काश हमारी न्याय व्यवस्था जुर्म का इलाज करने के बजाय जुर्म की फैक्ट्री का दौरा करती और समाज में कमजोर और निर्दोष लोगों पर होने वाले अत्याचारों और अन्याय को रोक पाती। काश हम इस जुर्म की फैक्ट्री को बनने से पहले ही रोक पाते और समाज के सीधे सच्चे लोगों को न्याय दिला पाते, अगर ऐसा होता।